हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस ये एक मेडिकल वर्ड है। हीमोप्टेसिस यानी कि जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो खांसी के साथ साथ खून भी आता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हीमोप्टेसिस क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हीमोप्टेसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। फर्स्ट तो हमारा नोज है, नोज के बाद लैरिंस है, देन ट्रकिया है, ट्रकिया के बाद ब्रोंकियल है, देन ब्रोंकियल है और एल्वियोलाई है और हमारे दो लंग्स है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हीमोप्टेसिस क्या है। हीमोप्टेसिस यानी कि जब भी हम लोग कफ करते हैं, कफ यानी कि खांसी करते हैं, तो ये खांसी के साथ साथ ब्लड आता है और ये ब्लड का जो कलर है, ये कलर ब्राइट रेड कलर का रहता है और फेमी कलर का भी रहता है। और अगर आपको खांसी है और खांसी के साथ साथ ये ब्लड आता है तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसके बहुत सारे रीजन है। अगर हमारे लंग्स में कुछ इन्फेक्शन रहेगा या लंग्स में जो ब्लड वेसल्स है तो ये ब्लड वेसल रप्चर हो गए, रप्चर यानी कि डैमेज हो गए, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग होती है। और अगर आप लोगों को लंग कैंसर रहेगा तो इस वजह से भी जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो खांसी के टाइम ये ब्लड आता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम है, यानी कि जब भी आप लोग खांसी करते हैं तो खांसी के साथ ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेमोप्टेसिस के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है, अगर आप लोगों को लंग्स रिलेटेड डिजीज कंडीशन रहेगा तो इस वजह से भी ये ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस रहता है। देन अगर आप लोगों को ब्रोंकाइटिस रहेगा, ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियल है, तो ये ब्रोंकियल को इन्फेक्शन रहेगा, इस वजह से भी हम लोगों को ये ब्लीडिंग होती है। अगर आप लोगों को टीबी रहेगा, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, तो ट्यूबरक्लोसिस के वजह से भी जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो खांसी में ब्लड प्रेजेंट रहता है। देन अगर आप लोगों को न्यूमोनिया रहेगा तो न्यूमोनिया के वजह से भी हम लोगों को ये ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हमारे लंग्स में जो एयरवे है, ये एयरवे डैमेज रहेगे तो इस वजह से भी हम लोगों को ये ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन को सीओपीडी है, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, लंग्स रिलेटेड ये भी एक डिसीज कंडीशन है, तो इस वजह से भी हम लोगों को ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो छोटे छोटे बच्चे है, ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, समटाइम जो भी हाथ में आता है यानी कि शार्प इंस्ट्रूमेंट रहेगा या कुछ भी चौक रहेगा तो वो नोज में डालते हैं, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है पल्मोनरी एस्पिरेशन, पल्मोनरी एस्पिरेशन के वजह से भी हम लोगों को ब्लीडिंग होती है। पल्मोनरी एस्पिरेशन यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाने का थोड़ा सा चीज़ हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन अगर आप लोगों के जो लंग्स है तो ये लंग्स एब्सेस रहेंगे यानी कि खराब रहेंगे, तो इस वजह से भी ये ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांस है। पल्मोनरी एडिमा रहेगा, पल्मोनरी एडिमा यानी कि हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि हमारे लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ये ब्लीडिंग होती है। और जो पर्सन ब्लड थिनर मेडिसिन यूज करते हैं या इंजेक्शन यूज करते हैं तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये ब्लीडिंग होने का। अगर आप लोगों की ब्रोंकोस्कोपी होती है तो इस वजह से भी थोड़ा खून आ सकता है। और कभी कभी हमारा जो थ्रोट है तो ये थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन रहेगा या लंग्स में कुछ इन्फेक्शन रहेगा और ज़्यादा प्रेशर के वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है तो ये ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, इस वजह से भी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जिस पर्सन को पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन की हिस्ट्री रहेगी वो पेशेंट को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ब्लीडिंग होने की। तो ये थे हीमोप्टेसिस के कॉजेस, कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हीमोप्टेसिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है क्रॉनिक कफ होते हैं, और जब भी हम लोग कफ करते हैं तो स्पूटम आता है और स्पूटम के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, चेस्ट पेन होता है, और इन लोगों का जो वेट है तो ये वेट कम हो जाता है। देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं, इन लोगों को फीवर आता है। फीवर क्यों आता है, क्योंकि इन्फेक्शन के वजह से इन लोगों को फीवर आता है, फीवर यानी कि भूखा आता है। और नाइट में स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है, और इन लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। और ये लोग जब भी खांसी करते हैं और जो स्पूटम आता है, और ये स्पूटम के साथ साथ ब्राइट रेड कलर और फेमी
में कलर का ब्लड भी प्रेजेंट रहता है। तो ये थे हीमोप्टेसिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी जो भी पर्सनल हिस्ट्री है ये सब लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर ये चेक करते हैं कि जो खून आता है ये कहाँ से आता है, मुँह से आता है या थ्रोट से आता है, ये सब चेक करते हैं। कितना टाइम ब्लड आया ये चेक करते हैं, और जो ब्लड आता है ये ब्लड का कलर भी चेक करते हैं। देन चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स को कितना इन्फेक्शन हुआ है, एक ही लंग्स में है या दो लंग्स में है, ये क्लियर दिखता है, इसलिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते। सीटी स्कैन भी एडवाइस करते। सीटी स्कैन क्यों एडवाइस करते? क्योंकि सीटी स्कैन में भी हमारे जो लंग्स है ये लंग्स पूरे क्लियर दिखते हैं। हमारे लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या, या हमारे लंग्स में जो आर्टरी है तो ये आर्टरी रप्चर तो नहीं है ना, ये सब सीटी स्कैन में चेक करते हैं। देन ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी चेक करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में लंग फंक्शन टेस्ट भी करते। लंग फंक्शन टेस्ट क्यों करते? क्योंकि हमारे लंग अच्छे से काम करते हैं क्या नहीं, ये चेक करने के लिए LFT भी करते हैं, और जो भी ब्लड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है ये सब डॉक्टर चेक करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी भी करते। ब्रोंकोस्कोपी यानी कि एक स्कोप हमारे माउथ थ्रू या नेजल थ्रू इंसर्ट करते हैं हमारे लंग्स में और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते। देन जरूरत पड़ी तो लंग बायोप्सी भी करते हैं। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो सैचुरेशन लेवल भी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल रहेगी तो पेशेंट को ICU में शिफ्ट करते हैं और वेंटिलेटर पर रखते हैं। IV फ्लूइड स्टार्ट करते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए सब मेडिसिन और इंजेक्शन भी एडवाइस करते हैं। देन लेजर थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट को लंग इन्फेक्शन रहेगा, न्यूमोनिया रहेगा या ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते। पेशेंट को बहुत ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो सम स्टेरॉयड मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। और पेशेंट को लंग कैंसर रहेगा तो डॉक्टर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, पेशेंट के जो लंग्स है ये अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो लंग सर्जरी भी करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक हीमोप्टेसिस। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।